भरतपुर में जयपुर ग्रामीण एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का आरोप एचआर कसाना को 35,000 की रिश्वत लेते और जैन राजेश सैनी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। दोनों अधिकारियों ने रिश्वत एनओसी जारी करने की एवज में ली थी। पॉल्यूशन विभाग में दोनों दो एनओसी देने के नाम पर रिश्वत लेने की शिकायत भरतपुर के परिवादी ने दी थी। शिकायत का सत्यापन सही मिलने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरओ एचआर कसाना से भरतपुर एसीबी टीम 1,00,000 रुपये सर्च कार्रवाई में पकड़ चुकी है। मेरी जो माताजी के नाम से और हमारी खुद की दो एनओसी हैं वो पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा जारी नहीं की जा रही हैं और इसमें जो रीजनल ऑफिसर है एचआर कसाना वो हमारे से पैसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पे आज जयपुर से हम आकर के और इनका सत्यापन करवाया तो सत्यापन में हुआ कि एचआर कसाना जो है वो दोनों एनओसी जारी करने के लिए उसने 35,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड करी और इनके जो जूनियर इंजीनियर हैं राजेश सैनी उन्होंने दोनों एनओसी के 5,000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये की डिमांड करी। आज अभी फिर इनको दोनों को 35,000 और 10,000 टोटल 45,000 रुपये में इनको ट्रैप किया है। सर पहले भी इनके दफ्तर में सर्च अभियान चलाया था उस दौरान इनके दफ्तर में पैसे मिले। डीए का केस चल रहा है वो हेडक्वार्टर पे दर्ज होगा।